यत्को किल किल मधो मधुरं विरोति सच्चाम्र चारु कलिकानि करे कहेतु स्वर्ग अपवर्ग गम मार्ग विमार्ग नष्ट साधन मतात्म कथन कपटो त्रिलोक्या दिव्या ध्वनि भवतित विशदात सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोजन अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकानि करे कहेतु अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकानि करे कहेतु मुनीन्द्र है मनव पंकज पुंज कांति पायुल सन्न कमयु कशिका बिरा पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकानि करे कहेतु अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकानि करे कहेतु इतं यता तम विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदो न तथा परस यादुक्प्रभादिन कृता प्रातान्धकारा तादृकृतो ग्रहणस्य विकाशिनोऽपि अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकानि करे कहेतु अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकानि करे कहेतु चोतन्मदा विलविलोल कपोल मूल माता ब्रह्मद् ब्रह्मरणाद विवोदकोप ऐरावतापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानम् अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकानि करे कहेतु अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकानि करे कहेतु भिन्ने कुम्भ गलदुज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि बाप बाधा क्रम क्रमगतम हरिनादिपोपी नाक्रामति क्रमयुगा चल संसितं ते अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकानि करे कहेतु अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकानि करे कहेतु कल्पान्तकाल पवनोदतमानि कल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिं विश्वं जिगासुमिव सन्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तनजन
शमयत्तशेषम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिकानि करे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिकानि करे कहेतु प्राप्ते क्षणं समदको किल कण्ठनीलं क्रोधो दपन् परिणमोत्पन्नमापतन् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्का तन्नाम नागदमन् हृदयस्य पुंसम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिकानि करे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिकानि करे कहेतु वल्गातुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतिन् ओद्या दिवाकरमयूकशिखापमिदं त्वत्कीर्तनातमयु शुभिदामुपैति अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिकानि करे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिकानि करे कहेतु कुन्ताग्रवीन्न गदशोणितवाणि वाह वेगावतार तरण तुरयोदभीमे योदे जयं विजित दुर्जय जय पाक् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिकानि करे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिकानि करे कहेतु कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलात्मा यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तहेतु विदेश में जाते हो, कई लोग बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कोई लोग घूमने के लिए जाते हैं, पर वहाँ का पहनावा कितना अच्छा लगता है आप लोगों को लगता है ना? वहाँ पर जाने के बाद में क्या अपना भारतीय ड्रेस पहन करके जाते हो जाते हो? भारतीय ड्रेस हमारी संस्कृति छोड़ देते हैं, वहाँ जाने के बाद में वैसा ड्रेस पहन लेते हैं। क्या वह विदेश के लोग हमारे भारत देश में आते हैं तब वह हमारा पहनावा पहनते हैं? पहनते हैं?
नहीं, फिर हम कैसे, हम कितने गुलाम हैं कि वहाँ जाने के बाद में उनके जैसे बन जाते, वैसा पहनावा पहन लेते, सब कुछ हमारी संस्कृति छोड़ देते हैं और उनके जैसे बन जाते हैं। प्रतिभा ताई पाटिल जब विदेश में गई थी तब उसने अपने साड़ी नहीं छोड़ी और न ही अपने सिर का पल्लू नीचे गिरने दिया। सब लोग वहाँ के हंसते रहे पर उसने कहा कि मैं अपनी भारतीय संस्कृति नहीं छोड़ूंगी, मेरा जो देश, मेरा जो ड्रेस है वह मैं यहीं पर भी, मैं चाहे मैं यहाँ पर आई हूँ पर मैं मेरी संस्कृति और मेरा पोशाक मैं नहीं छोड़ूंगी। और हम क्या करते हैं, जहाँ पर जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। क्या है हमारा देश, हम हमारी संस्कृति नहीं कहीं पर भी छोड़ देते हैं। ध्यान रखो, हमें स्वतंत्र होना है पर स्वच्छंदता हमारे भीतर में ना आए। हमारा स्वभाव क्या है, हमारा स्वभाव स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता हमारा स्वभाव नहीं है। रात को हमारे गुरुजी जी महाराज साहब कहते कि रात को 12 बजे हमारा देश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता स्वतंत्र हुआ तब क्या हुआ, पूरे नगर देश को सजाया गया, पूरे देश को सजाया गया, मिठाइयां बांटी, खुशियां मनाई, इतनी खुशियां मनाई नववधू की तरह पूरे देश को सजाया गया। पर पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था कि एक जब यह देश स्वतंत्र हुआ तब एक बुढ़िया एक चौरास्ते पर बैठ गई, इतनी नाचने लगी कूदने लगी कि मेरा देश स्वतंत्र हो गया है, मेरा देश स्वतंत्र हो गया है, मैं भी स्वतंत्र हो गई हूँ, और बीच रास्ते में बैठ गई। उधर से कई गाड़ियां आने लग गई, गाड़ियां एक के पीछे इतनी ट्रैफिक जाम हो गई। सभी कहने लगे उस बुढ़िया को, उठ जा। तब वह कहने लगी, नहीं मैं नहीं उठूंगी, मैं स्वतंत्र हो गई हूँ, मेरा देश स्वतंत्र हो गया है, मैं नहीं उठूंगी। बहुत समझाया, उठ जा, सभी को जाना है। वह कहने लगी, नहीं जीप पकड़ ली, मैं नहीं उठूंगी। उसमें से एक भारतीय व्यक्ति आया उसके पास में, क्या उड़ जा तू, सुन क्यों नहीं रही है, हमें भी आगे जाना है, उड़ जा। उसने कहा, नहीं मैं नहीं उठूंगी। अच्छा तो क्या देश स्वतंत्र हुआ, क्या तू अकेली स्वतंत्र हुई, हम भी स्वतंत्र हो गए। सब उस व्यक्ति ने कहा, चलो अपनी गाड़ियां लेकर के आगे चलो। तब जैसे ही गाड़ियां स्टार्ट की तब वह बूढ़ी क्या हो गई, वहां से उड़ गई। क्या यह स्वच्छंदता नहीं है, स्वतंत्र हुआ है पर स्वच्छंदता हमारे भीतर में नहीं आना चाहिए कि हम मौज मस्ती करें, कुछ भी हमारे मन में आए वह कर ले, कि कहीं से भी कपड़े पहन ले, कैसे भी कुछ भी पोशाक पहन ले, ऐसा हमें स्वच्छंदता नहीं बनना है। भारत देश स्वतंत्र हुआ है पर हमें अपनी मर्यादा में रहना है। यह युद्ध छिड़ा, युद्ध हुआ। कहते हैं एक बार एक लड़के ने अपने माँ से पूछा, क्या हम सच में स्वतंत्र हो गए माँ, क्या माँ हम सच में स्वतंत्र हो गए, हम भी स्वतंत्र हुए हैं, खाने को। तब माँ कहती है, हाँ बेटा हम स्वतंत्र हो गए। कैसे स्वतंत्र हुए, रोटी महंगी है, चीनी महंगी है, कपड़ा महंगा है, सब कुछ महंगा है, फिर हम स्वतंत्र कैसे हुए। रोटी महंगी, चीनी महंगी, महंगा सब सामान है, रोटी महंगी, चीनी महंगी, सब सामान महंगा है, बेच रहे खुद इंसान ईमान, फिर भी देश हमारा महान है, फिर भी देश हमारा महान है। क्या हमारा देश की हालत क्या हो रही है, ध्यान रखो। एक बार चिंटू ने अपने पापा से पूछा कि युद्ध की शुरुआत कैसे होती है।
युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। तब उसके पापा ने चिंटू से समझा करके कहा कि बेटा देखो कि अमेरिका ने भारत पर लड़ाई युद्ध करना चालू कर दिया। बस इतनी ही लाइन कही अपने पापा ने चिंटू को कि अमेरिका ने भारत पर युद्ध शुरू कर दिया। उधर से किचन में से उसकी माँ आई, हाथ रसोई बना रही थी, रोटियाँ बना रही थी, हाथ में बेलन था, वह बेलन लेकर के आई और कहने लगी कि क्या ये क्या एग्जाम्पल दे रहे हो, अमेरिका कभी भारत पर चढ़ाई करता है वह तो मित्र देश है, वह कैसे आक्रमण करेगा, वह कैसे युद्ध करेगा। अब दोनों की क्या हो गई, तनातनी। अरे तुझे तो कुछ काम नहीं, जाना किचन में जा, अपना अपना काम कर, यहाँ पर हमारे बीच में क्यों आई, जा अपना काम कर। अरे ऐसे कैसे आप कुछ भी अपने बच्चे को समझाते हो, ऐसा क्या कहने की बात होती है, ये क्या अमेरिका कभी भारत पर आक्रमण करता है युद्ध करता है, ऐसी बात मत करो। और दोनों की क्या हो गई, चालू हो गया। तब वह चिंटू कहता है पापा जी बस कर दो, मुझे समझ में आ गया कि युद्ध कैसे चालू होता है। ध्यान रखो अपने जीवन में उन नेता को याद करो जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। कितने कितने नेता होके गए, सुभाष चंद्र बोस होके गए, महात्मा गांधी, विवेकानंद, ये सारे जो नेता हैं उन्होंने अपने इस देश के लिए कुर्बानी दी है और हमें आज़ाद किया है। यह हमारा देश क्या है, आज़ाद हो गया है। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, बोलो मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये मेरे देश की धरती क्या है, ये मेरा देश। इस देश में हमें हमारे भारत देश पे नाज होना चाहिए कि मेरा भारत देश कितना महान है। हर इतने सारे देश है पर किसी को माता कहा जाता है, इटली माता कहते हैं, जापान माता कहते हैं, अमेरिका माता कहते हैं, नहीं कहते। पर हमारे भारत को क्या कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है। हमारी यह माता है, हमें हमारे भारत देश पर गर्व होना चाहिए। इसी भारत देश पर 24 तीर्थंकरों का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, गंधर्वों का जन्म हुआ है। इसी धरती पर, इसी भारत भूमि पर अनेक महापुरुषों का, हमारे गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब का इसी धरती पर जन्म हुआ है। हमें नाज है हमारे भारत देश पर, इस मिट्टी पर जो आज के दिन यह स्वतंत्र हुआ था। इस धरती को, इस भारत भूमि को हम क्या करते हैं, नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। हमें गर्व है, हमें नाज है इस भारत भूमि पर। आज 15 अगस्त का दिन है, आप सभी को 15 अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ो, स्वतंत्र बनो, पर स्वच्छंद अपने जीवन में नहीं बनना है और अपने भारत देश का नाम रोशन करना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोले भगवान महावीर स्वामी, बोले बोलिए सद्गुरु नाथ की। देश हमारा सबसे प्यारा, सबको गले लगाए, गीत मिलन के गाए, हो हो गीत मिलन के गाए। देश हमारा
सदगुरु नाथ की चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो, सदाकाल जय विजय हो। अपने युग के उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी महासंत सदगुरुनाथ पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब सर्वशास्त्र विशारदा परम पूज गुरनिसा श्री प्रभाकर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। परम उपकारी परम श्रद्धेय पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब के चरणों में भक्ति युक्त वंदन नमन अर्पित हो। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, आप सुन रहे थे भारत। भारत एक जमीन का नाम नहीं है, भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह एक अनोखा पर्व के जैसे और तीर्थ के जैसे यह भूमि है, जहाँ हिमालय भारत का शिखर है, हिमालय और कन्याकुमारी है चरण। ऐसा यह सुंदर सुजलाम सफलाम यह देश है। लोग, कई लोग भारत में रहने वाले लोग, यह लोगों की एक अपनी मानसिकता होती है, अपने थाली का घी कम लगता है और पराए का। कई लोग विदेश घूम के आते हैं, कहते महाराज साहब क्या वहाँ पर स्वच्छता है, क्या वहाँ की सफाई है, एक चॉकलेट खा करके यदि पेपर फेंक दो तो वहाँ पर दंड लगता है, इतनी वहाँ पर सफाई है। भारत कहता है ध्यान रखो, भारत का भारत यह प्रतीक है, यहाँ पर भी यदि स्वच्छता लाओ तो स्वच्छता है और ना लाओ तो गंदगी है। भारत में और बाकी देशों में अंतर केवल इतना है, ध्यान रखना, हर देश का अपना एक झंडा है, भारत का भी अपना एक झंडा है, तिरंगा। तीन रंग से बना हुआ तिरंगा एक झंडा है, वह रंग है, रंग वह प्रतीकता है, रंगों का अपना एक महत्व। पहले है केसरी रंग, बाद में है सफेद श्वेत रंग, और बाद में है हरा रंग। हरा रंग, ये रंग अपने आप में एक विशेषता लेकर के रखते हैं। इस भारत को मान मिला है त्याग पर, त्याग के कारण भारत का गर्व हमेशा ऊंचा रहा है। तो भारत के तिरंगे का पहला कलर है केसरिया। केसरिया क्या है? त्याग का प्रतीक, यह त्याग का कलर है केसरिया। इसीलिए तो जो युद्ध करने के लिए जाते हैं ना, उनको केसरिया बताया जाता है। इसीलिए कहते हैं माए मेरा रंग दे केसरिया चोला, रंग दे केसरिया चोला, मेरा रंग दे केसरिया चोला। ये चोला त्याग का प्रतीक है। हमारा देश त्याग प्रधान देश है, इस देश ने त्याग किया है और त्याग सिखाया है।
जिस समय रामायण के अंदर हम देखते हैं सोने की लंका को छोड़कर वन वन घूमने वाले जिनके पास ना पूरे कपड़े ना खाने के लिए, ऐसे वन वन घूमने वाले दो व्यक्ति के साथ हो गए हनुमान जी। ऐसे लोगों के साथ हो गया रावण का भाई कुंभकर्ण विभीषण। क्यों हुआ? क्योंकि यह त्याग प्रधान भूमि है, इसीलिए हमारे तिरंगे के अंदर पहला कलर दे दिया कैका केसरिया। ध्यान रखना, हमारा देश कहता है अरे एक कबूतर की जान बचाने के लिए मेघरत्न राजा ने खुद की चमड़ी को काट काट के तराजू में रख दिया और खुद तराजू में बैठ गए। क्यों? एक कबूतर की जान बचाने के लिए जहाँ के राजाओं ने खुद को तराजू में रख दिया और खुद की चमड़ी को निकाल निकाल करके तोलने लग गए कबूतर के लिए। पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान नेमिनाथ तोरण से वापस फिर गए, अपनी शादी को कैंसिल कर दिया, मुझे नहीं करना है शादी। यह है इस देश की गरिमा, इस देश की गरिमा यह है। भरत जैसे राजा ने अपने भाई के लिए राज्य तो किया, आज्ञा का पालन तो किया, पर सन्यासी के वेश में। यह भातृ प्रेम का आदर्श देने वाला हमारा देश है। यह देश जहां भगवान महावीर की अहिंसा और बुद्ध की करुणा, यह देश वो देश है जहां भगवान ने गर्भ में ही माता पिता को दुख ना दूंगा, वह जब तक है तब तक मैं संयम के राह पर नहीं जाऊंगा। यह देश है श्रवण कुमार का, जिसकी अभी तक कोई कार्बन कॉपी नहीं हुई है, कोई जेरॉक्स नहीं हुआ है। वह देश ऐसे महापुरुषों के साथ यह देश बंधा हुआ है। यहाँ धन का महत्व नहीं हुआ है। यहाँ पर तो मीरा जैसी ने गाया, मेरा राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ने कहा ओहो मैं धन्य हो गई, मुझे क्या मिल गया? राम नाम का रतन मिल गया, मुझे धन मिल गया। कौन सा? पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, राम का रतन धन मुझे मिल गया, मैं तो निहाल हो गई। यह देश ऐसे व्यक्तियों का देश है। यह देश में राम की मर्यादा, कृष्ण के कर्म योग ऐसे भरे हुए यह सौभाग्य की भारत माँ है। किसी एक व्यक्ति ने पूछा, अमेरिका जापान चीनी इन देशों के अंदर, अमेरिका के अंदर और भारत के अंदर क्या फर्क है? तब उस विद्वान ने कहा एक ही फर्क है, भारत की महिलाएं विधवा होती है और अमेरिका की महिलाएं कभी विधवा नहीं होती है। क्या फर्क है? भारत के पुरुष अकेले रहते हैं, अमेरिका के पुरुष कभी अकेले नहीं रहते, यही फर्क है। कितना सोचो कैसी बात है। आज पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, लोग क्या करते हैं, पहले तो बच्चे एक ही बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, कितने होना? हमारे पड़ोस के देश के लोग कहते हैं कितने भी हो,
भगवान के दिए हुए, अल्लाह के दिए हुए फल है, और हम कहते हैं ये क्यों होना, बराबर महाराज। अरे कुछ वर्ष पहले कहते थे हम दो हमारे दो, और आप कहते हैं हम दो हमारा। बस महासाब लड़को हो कि लड़की हो, एक ने संभाल लिया तो बस गंगा घोड़ा नहा लिया। अब कैसे विचित्र बात आई देखो बहनों, लड़का होना एक, उसको खूब सिखाना पढ़ाना, बिल्कुल सिखाना पढ़ाना, मैं इसका विरोध नहीं है, बहुत सिखाओ पढ़ाओ। थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, पैसा कमाया ना, किसके लिए कमाया हमारा साहब, क्या करना, किसके लिए कमाया, बच्चे के लिए ही तो कमाया ना। फिर बच्चे को भेज देते अमेरिका। अरे क्या किया तुमने अपने जीवन में, किया क्या, बच्चे के माँ बाप बने, बच्चे को अमेरिका भेज दिया, वो उधर और तुम इधर। जब श्वास निकलेगा ना, तब नौका मंत्र सुनाने वाला तुमको कोई नहीं रहेगा। अरे और तो और, पुत्र के हाथ से अग्नि लेने की भावना रखने वाले लोग कहाँ, तुम्हारा बेटा आएगा तुमको अग्नि देने के लिए, आते आते लाश सड़ जाएगी। क्या मानसिकता बन गई, क्या तुम्हारे विचार। कल मेरे पास में एक बहन आई, महाराज साहब मंगलिक दो मंगलिक दो, बड़ी खुशी की बात है। मुझे लगा क्या हो गया, मैंने कहा क्या खुशी की बात है महाराज साहब, आपका चेला सीओ हो गया। मैंने कहा वाह 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 वाह, बधाई बहन, बहुत अच्छी बात हो गई। महाराज साहब अब कल ये तुम बोलो कहाँ जाएगा, मेरे से ज्यादा तुमको मालूम है, बोलो कहाँ जाएगा। इकलौता बेटा अमेरिका 2 साल पढ़ाई के लिए जाता है, बाद में कर... संग मुंबई आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है, और भारत जैन और उनकी पूरी टीम भी पधारी है, मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में भारत जैन मंडल की, भारत जैन महामंडल की महिला अध्यक्षा राजकुमारी जी बोहरा भी पधार रही हैं उनके टीम के साथ। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज दिवस है 78वें स्वतंत्रता दिवस का, भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो 78 वर्ष पूर्ण हुआ था और हम आज आज़ादी से रह रहे हैं, उसका 78वां दिवस हम धूमधाम से मनाना चाह रहे हैं। हमारे लिए मेहनत भी की है साक्षी सिंघवी और उनकी पूरी टीम ने, 2 मिनट में वो कार्यक्रम चालू होगा, उसके बाद हम झंडा रोहण करेंगे और उसके बाद और अन्य कार्यक्रम चालू रहेंगे। जहाँ हिमालय शीश झुकाए, जहाँ धरती सींचे गंगा, चलो शान से लहराएंगे हर घर में आज तिरंगा, हर घर में आज तिरंगा। सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम अपना कार्यक्रम चालू करते हैं आगे का, जो आज पूरे 33 वैक्स म्यूजियम रखा है महाराज साहब ने कार्यक्रम। आपने बहुत जगह वैक्स म्यूजियम देखा होगा, पोर्ट्रेट्स जो भी हमारे देश के महान विभूतियाँ हैं उनके पोर्ट्रेट्स बनाए होते हैं, वो देखे होंगे, वो पुतले थे, आज वो आज आपसे बात करेंगे, रियल लाइफ में वो बात करेंगे आपके वैक्स के म्यूजियम्स के। तो साक्षी आइए और अपना कार्य शुरू कीजिए। साक्षी जी सिंह जी, आज मेवाड़ दिल ये राए तुम जियो हजारों साल, ये हमारी आ नहीं रहा होगा कि मैं क्या बनाऊं। हाँ हाँ, मैं भगत सिंह बना हूँ और उनके साथ मैंने छोटी उम्र में ही फांसी की सज़ा पाई थी अपने वतन के लिए। मैं अपने बचपन की एक बात बताता हूँ, जब मैं मेरे पिताजी के साथ खेत में गया था तब मैं मिट्टी और कंकड़ को छू रहा था, तो पिताजी ने मुझसे पूछा भगत क्या कर रहे हो। मैंने उत्तर में कहा पिताजी बंदूकें बोल रहा हूँ, अंग्रेज़ों को देश से भगाना है और आज हम सबको भी इस देश से भ्रष्टाचार्य जातिवाद और पंथवाद इन तीनों को भी हटाना है। मेरे विचारों में
क्रांति बंदूकों और बम से नहीं आएगी। क्रांति की तलवार हमारे मन के विचारों की शान से तेज होगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। माता की जय। मेरा नाम तन्वी है। आज मैं भारत माता बनी हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप सब मेरा सम्मान करते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं, पर कभी कभी तो मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ क्योंकि धर्म के नाम से लड़ाई झगड़े करते हैं और जन्म होने से पहले ही बेटियों को मार दिया जाता है, इसलिए मैं कांप उठती हूँ। जय जिन्हें। अपना और मैं बना हूँ जवाहरलाल नेहरू। पर एक गाना बनाया है, मैं आपकी आंखों का तारा बनूंगा, आगे ही आगे बनाऊंगा कदम। धन्यवाद धन्यवाद हम रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। धन्यवाद हम जय इंकलाब जिंदाबाद। जय जिनेंद्र। कौन है? हो गए ना, बेड़ियों में बांधना चाहा भारत माता और फाइव रिलीजन टीम। बोलना डायलॉग तू भी साध्वी है ना, भारत देश की साध्वी है। बोल भारत। अरे मिंकी चिंकी, तुम्हें पता है कल तो 15 अगस्त है। ओ वाह, क्या है ये 15 अगस्त? अरे जो 14 के बाद और 16 के पहले आता है वो 15 अगस्त। हाँ हाँ हाँ, इतनी ही हंसी आई। वैसे भी तुम दोनों को पता ही क्या है 15 अगस्त को होता ही क्या है? मुझे तो मालूम है, इसका पता नहीं। तो बताओ क्या होता है? छोड़ यार, वैसे 15 अगस्त में रखा ही क्या है? मुझे तो मालूम है गणतंत्र दिवस है। अरे चुप रे झंडू, तुझे क्या पता गणतंत्र दिवस नहीं इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। वो तो हर साल ही आता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे ऐसे क्या बोल रही है यार। अरे तू आ भी गई है। कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल
अरे वाह यार, दस के पुतले हैं। कौन ये मोटू पतलू? ए रिस्पेक्ट से नाम ले। मुझे तो मुझे ना, अरे चिंकी क्या कर रही है? चल ना, मजा आएगा देखने में। ठीक है फिर चलो, ये अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देते हैं। ओह वाह, मैं झांसी की रानी, मैं गलत थी, मैंने कहा था मैं अपना भारत नहीं दूंगी, अपने स्वराज्य के लिए मैंने अपने बच्चों तक को खुद से बांधकर युद्ध लड़ा और फिरंगियों को सबक सिखाया, लेकिन अब मेरे ही देशवासी फिरंगियों की चाल चल रहे हैं। धिकार है मुझे ऐसे देशवासियों पर जो राजद्रोह कर रहे हैं। वो क्या जाने स्वराज्य क्या होता है। मैं झांसी की रानी इस धरती माँ की बेटी हूँ, ये धरती मेरी माँ है, मैं अपनी माँ के लिए जान दे दूंगी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदे ने हर लोगों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद। ओ ये कौन है वाइट दाढ़ी? शिक्षा के बिना समझदारी खो गई, समझदारी के बिना नैतिकता खो गई, नैतिकता के बिना विकास खो गया, धन के बिना क्षुद्र बर्बाद हो गया। शिक्षा महत्वपूर्ण है, धन्यवाद। फूले हूँ, मेरा जन्म 3 जनवरी को नया गांव में हुआ था, मैं भारत की पहली महिला शिक्षिका हूँ। मेरा विवाह छोटे उम्र में हो गया था, बेटी का विवाह होने से पहले उसे शिक्षक बना लो ताकि वो वल्लभ भाई पटेल। मैं पटेलों का सरदार था, मेरा नाम सरदार नहीं था, ये तो मुझे दी गई एक उपाधि थी। जिस देश के नमक के लिए मैंने गांधी जी के साथ सत्याग्रह किया, उसी देश के देशवासियों ने मिलकर नमक हरामी कर रहे हैं। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल आज के भारत में जिंदा होते तो नमक हरामियों की खटिया खड़ी कर देते। जय हिंद। शास्त्री है, जय जवान जय किसान, जवान मेरे देश की रक्षा करता है, किसान मेरे देश को अनाज उगा कर देता है, इसलिए मुझे दोनों पर गर्व है। जय हिंद। अरे चिंग, ये फॉरेनर हमारे इंडिया में क्यों है? इनसे हमारा फ्रीडम का क्या किस्सा? ये फॉरेनर है जिन्होंने अपने देश के खिलाफ जाके हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। सुनने में अजीब लगता होगा, मेरा नाम है एनी बेसेंट। भला अंग्रेज महिला अपने लिए अपने देश से लड़ सकती है, स्वतंत्र आंदोलन में भाग ले सकती है और उसके बाद उसको फिरंगी न समझकर कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया और उसके बाद वो लंदन छोड़कर भारत में आ गई। जय हिंद जय। मैं आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हूँ, मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ, मेरे पिताजी का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है और मेरी माताजी का नाम कमला नेहरू है। मैं इस भारत के पहले प्रधानमंत्री की बेटी, पहली महिला प्रधानमंत्री हूँ। गरीबी हटाओ ये मेरा नारा था, मुझे अपना देश सबसे प्यारा है। जय हिंद। मैं स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे, देश सलामत इस तिरंगे को जब से तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। जय हिंद। मैं चंद्रशेखर आजाद आप सभी से कहना चाहता हूं, मैं हूं आजाद, मेरे पिता स्वाधीन और मेरा पिता है जेल। आप सभी मुझे पंडित समझते होंगे पर मैं पंडित नहीं, मेरा अब मैं पंडित नहीं, मेरा स्वाधीनता। और अगर अभी भी आपके लोगों में खून नहीं खौलता तो खून नहीं ये पानी है। जय हिंद। मैं हूँ सरोजनी नायडू, मुझे गर्व है कि मैं एक महिला हूँ जो इस धरती पे आई है अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए। जब सन 1925 में मैं गांधी जी के साथ मंच पर थी तब मैंने हमारे भारत देश के विकास के बारे में बात की थी और जनता भारत की जनता से देश के संविधान और संविधान के लिए हिम्मत और एकता के साथ आगे बढ़ना है। जय हिंद। मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है, लोग मुझे प्यार से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बुलाते हैं।
मेरा जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है और बच्चे मुझे चाचा नेहरू भी बुलाते हैं। आप लोगों ने मुझे इस देश का पहला प्रधानमंत्री भी बनाया था। कार्यशील और ईमानदार लोग बड़े कार्य के लिए काम करते हैं, चाहे परिणाम तुरंत ना मिले लेकिन अंत में फल जरूर मिलता है। जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा नाम सोनिया गांधी है। नरेंद्र मोदी ने देश का क्या हाल कर रखा है, उसने बहुत सारे शौचालय बनाए हैं, चाइना और पाकिस्तान को बदल दिया है और बड़े बड़े देशों से दोस्ती की है और भारत का नाम रोशन किया है। मेरा बेटा राहुल गांधी जो कुछ नहीं करता है और मेरे को भी कुछ नहीं करने देता है, लेकिन अभी देखो हमको भी इटली जाना पड़ेगा। मुझे तो यार सभी पहचानते होंगे, मुझे लोग प्यार से पप्पू कहते हैं। मेरी दादी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, मेरे उनके पापा भी पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन मुझे ही कोई प्रधानमंत्री नहीं बना रहा है। अगले चुनाव में मुझे वोट दीजिएगा और जिताएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे 130 करोड़ देशवासियों, हमारा देश जो है बदल रहा है, हमारा डिजिटल देश बदल रहा है। अरे भाई क्या दिक्कत है इस सज्जन को, ये शासन नैतिकता सुरक्षा के प्रति प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, जैन धर्म का महापर्व पर्वती रात पर्युषण आ रहा है। मन वचन एवं काया से तप त्याग करे, तपस्या करने की भावना भावे। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। जय हिंद जय भारत। निचा, इस देश को आजाद करने के लिए कई लोगों ने अपनी जान दी है, कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है। इस ऋण को हम कभी चुका नहीं सकते, इस ऋण को हम कभी अदा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक मौका है। हम आजाद भारत में जन्म हुआ है हमारा, इस ऋण को चुकाने के लिए हम आज एक प्राण लेते हैं। हम मरते दम तक इस देश की सेवा करेंगे, इसको और ऊंचाई पे जाने देंगे। अब जय हिंद जय भारत। मेरा नारा है कि सर्वोशी की तमन्ना दिल में है, देखना है जोर तो बाजुए कातिल में है। मैं छोटी उम्र में ही अपने दोस्तों के साथ फांसी की सजा पाई थी। आप लोग तो ये नहीं कर सकते, पर आप भ्रष्टाचार, पंथवाद और जातिवाद को हमारे देश से हटा सकते हैं। जय हिंद। मुझे महात्मा गांधी या फिर बापू के नाम से जानते हैं। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता सेना का प्रमुख नेता हूँ मैं। जय महावीर, जय जिनेंद्र, जय भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता। ये कलम में इतनी ताकत है, इसने ब्रिटिशर्स को हिलाया है और आज इसी कलम से मैंने संविधान लिखा है। इस कलम की ताकत से अच्छे अच्छे झुके हैं और आगे भी झुकते रहेंगे। एक कार्य था, हमने स्वाधीनता का वो प्राप्त कर लिया है, परंतु अभी हमें इसी कलम से शिक्षण प्राप्त करना है। हमारा मेन ध्येय है आज अशिक्षा से लड़ना और हमको शिक्षण की तरफ से आगे बढ़ना। मेरा सभी से कहना है, एक रोटी कम खाना परंतु अपने बच्चों को आगे जरूर पढ़ाना, आगे जरूर पढ़ाना। जय हिंद जय हिंद
जय हिंद, जय हिंद। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। वंदे 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 वंदे। धन्यवाद। तो चलिए, आप सबने फ्रीडम फाइटर्स को तो देख लिया, अब सुनते हैं भारत माता की मन की बात। मैं हूँ भारत माता, मैं हूँ भारत माता, पूरे पूरे भारत की जननी, जो अपने संतानों को एकता, प्रेम और गर्व की भावना भरती हूँ। मेरे मेरे आंचल में हमारी संस्कृति और विविधता की धारा भरती है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। तो चिंकी मिंकी, कैसा लगा तुम्हें हमारा ये वैक्स म्यूजियम? इसके बारे में बहुत कुछ सीखने मिला। चिंकी, हाँ सही कहा, हमें बहुत कुछ सीखने में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस स्वतंत्रता दिवस पर बहुत ही देशभक्ति का यह सुंदर कार्यक्रम, जिसमें साक्षी सिंह ने मेहनत की, उनको भी मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं वाशी संघ की सेवा है, हमारे हमारे निवर्तमान महामंत्री अध्यक्ष जी राजकुमार आ गया, महामंत्री खुशी जी पगारिया, हिंडल बम्बोरी वो भी आगे आ जाए, नवयुग मंडल के अध्यक्ष श्री भगवती जी कोटीफोड़ा, महावीर जी, महावीर जी महादेवचा हो गया, नहीं नहीं सभी सावधान की मुद्रा में रहेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे, सभी खड़े हो जाए सभी के स्थान पर। जन गण मन अधिनायक हमारे यहाँ निमेशी रखो भी पढ़ा रहे हैं। तेरे रंग से मैं तो तू ही था मौला, तू ही अगर मौला ले ले मेरी जा, मौला ले ले मेरी जा, तीजा तेरा रंग था मैं तो तिया तेरे रंग। इसी क्रम में हमारे आज भारत जन महामंडल की अध्यक्षा राजकुमारी जी बोहरा का भी स्वागत किया जाएगा। स्वागत के लिए राजकुमारी जी आगे पधारे हैं, उनका स्वागत हमारी अध्यक्षा जी कंचन जी सिंघवी, महामंत्री जी लीला जी खरौड़ और वरिष्ठ पधारे आगे और उनका सम्मान करें। हमारे भारत जैन महामंडल के युवा अध्यक्ष महेंद्र जी पगारिया, आचार्य भगवंत के चरणों में कोटि से वंदन, परम पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में नमन वंदन, अत्र पाठ पर विराजित प्रफुल्ला जी उदिता जी आदि थाना के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज का यह दिवस स्वतंत्रता दिवस, आजादी हमें मिल गई, क्या वास्तव में हम आजाद हो गए? हम अपने मन में विचार करें कि हम स्वयं आजाद हो गए, हमें आजादी अभी भी आनी बाकी है, अभी भी हमारी आजादी अधूरी है, क्योंकि जब तक हम
अपनी शिक्षा पद्धति को, शिक्षा प्रणाली को नहीं सुधारेंगे तब तक हम भविष्य सुनहरे भारत का भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो भारत माता की सुरक्षा के लिए शिक्षा प्रणाली का होना बहुत आवश्यक है। माँ सती जी, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण संघ के महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से ये भवन 2012 में हमने लिया था। गुरुदेव श्री की ही एक परम इच्छा थी कि जो बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ मुंबई में आते हैं उनके लिए क्यों नहीं कोई व्यवस्था की जाए। इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हमने, सब पूरे समाज ने मिलकर बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की और अंततः अंधेरी पूर्व ईस्ट में जिजामाता रोड पंप हाउस पर एक छात्रावास हॉस्टल का निर्माण किया जो आज अच्छी तरह कार्यरत है। उस हॉस्टल में एक भवन और एक हॉस्टल दोनों एक ही संस्था के अंतर्गत आते हैं। चूँकि भवन में चातुर्मास के दरमियान 4 महीने के लिए चातुर्मास होते हैं साधु साध्वी भगवान के, जिससे सबको लाभ मिलता है, और शेष काल में एक फ्लोर सेकंड फ्लोर केवल साधु साध्वी भगवान के लिए रखा गया है। बाकी हम इस भवन के रख रखाव के लिए कहीं ना कहीं शादी ब्याह के लिए कोई भी प्रोग्राम के लिए भाड़े पर देते हैं। पर हॉस्टल का जब निर्माण किया था यह समझ के किया था कि बच्चे बाहर से आएंगे तो माता पिता को पीछे कोई ऐसा तकलीफ न लगे कि मेरा बच्चा बंबई जा रहा है, बंबई जाकर कहीं संस्कार विहीन न हो जाए, इसी भावना के तहत हमने इस हॉस्टल का निर्माण किया था। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे हॉस्टल में 90 बच्चे हैं, 90 बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और 50 बच्चों की कैपेसिटी भी बकाया है, जो लिफ्ट हमारी शुरू हो गई है और सितंबर में हम टोटल 140 बच्चों का एडमिशन पूरा कर देंगे। और इसके पश्चात भविष्य में 6 महीना 8 महीना 1 साल बाद 5 माला बनना बाकी है, तो टोटल 200 बच्चों का हमारा कैपेसिटी हो जाएगा, ऐसी हम भावना पाते हैं। चूँकि आपने एक प्रस्ताव रखा माँ सती जी, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास कुछ बच्चियों का फ़ोन आता है कि अंकल जी हमने क्या गुनाह किया था, केवल बच्चों के लिए आपने हॉस्टल बनाया, बच्चियों के लिए हमारे लिए क्यों नहीं बनाया। बहुत तकलीफ होती सुनने के लिए, बहुत भावना भी होती है, पर जैसी आपने भावना पाई है, पूरा बहुत बड़ा समाज बैठा है, भारत जनता मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यहाँ पधारे हैं, मावर इंटरनेशनल वाले भी ही कोशिश कर रहे हैं कि वो भी एक हॉस्टल बनावे, वो भी सब कुछ सारे पदाधिकारी वहाँ विजिट करके गए थे और देख के गए थे, उन्होंने बोला हमको भी हॉस्टल बनाना है। तो आज जो बच्चे यहाँ पर आए, मैं सबसे निवेदन करूँगा बच्चों से ज़्यादा खड़े, क्योंकि महासती जी लंबा वीकेंड आने की वजह से 15 अगस्त के बाद रक्षाबंधन की वजह से बहुत सारे बच्चे गाँव गए हैं, क्योंकि भारत भर से बच्चे आए हुए हैं। आपके रेदासनी सर जो लोनार से हैं, उनका बच्चा भी हॉस्टल में था, अभी छोड़ा था उसने, तो रेदासनी सर का फोन आया था कि बुकीता जी को बोलना कि मेरा रेदासनी सर को याद किया है, मैं बोला आप दर्शन करने पधारिए। बहुत सारे बच्चे हमारे छुट्टी मनाने घर पे गए हैं, पर जो बच्चे हैं वो सब अच्छी तरह से वहाँ रहकर उनको समय पर भोजन मिलता है, बाकायदा अनुशासन के साथ हमारे सूरज जी महामंत्री जी आंचलिया एकदम स्ट्रिक्ट है और बच्चे को एकदम इतना स्पष्ट निर्देश दे देते हैं कि कुछ भी गलती करोगे तो कल से तुम्हारा रेस्ट्रिकेशन हो जाएगा। मैं थोड़ा लिबरल हूँ कहीं ना कहीं मैं संभालता हूँ, कहते नहीं बच्चे हमारे अपने हैं, उनके इतना भी कठोर मत बनो कि ऐसा कुछ बने। तो हमने ये जो भावना पाई थी परम पूज्य गुरुदेव की भावना से कि ये हॉस्टल बनाया था, आज बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, सब बच्चे मेरे हिसाब से खुश हैं, अच्छा भोजन मिलता है। हमारे सुपरिंटेंडेंट, हालांकि आज वो शायद उनका अंतिम दिन है, वो जाने वाले हैं क्योंकि उनको कुछ दूसरी मिल गई, पर दूसरा हम सुपरिंटेंडेंट ला रहे हैं समित जी पाटिल, वो भी अपने जैन भाई है, कर्नाटका से हैं, तो उनको भी हम रिलीव करेंगे निश्चित रूप से। और हम चाहेंगे कि कोई अच्छा एक हॉस्टल के लिए कोई वार्डन हमें मिले, आपसे भी निवेदन है, कोई आपके ध्यान में आता तो आप भी बुलाइए, हम उनको रखने की कोशिश करेंगे। और प्रेफरेंस जैन भाई हो गई है और वहाँ महासती वहाँ केवल जैन फूड मिलता है, वहाँ कंद मूल जमीकंद कुछ भी यूज़ नहीं होता है, आलू प्याज लहसुन कुछ भी उपयोग नहीं किया जाता है, यहाँ तक अदरक भी नहीं आती वहाँ पर, ऐसा हमारा एक हॉस्टल का सुंदर वातावरण है। इस वजह से सब माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन वहीं पर हो। अभी भी युवा भारत जन महामंडल के युवा अध्यक्ष महेंद्र जी बगारिया बोल के गए थे कि रायपुर छत्तीसगढ़ में एक ऐसा ज्वेलर्स है जो खुद छात्रावास बना सकता है पूरा अपने आप में, वो बोलता मेरे बच्चे का एडमिशन होगा क्या वहाँ पर। तो महावीर महेंद्र जी ये छात्रावास हॉस्टल बनाया बच्चों के लिए ही है, क्यों नहीं देंगे। आज रायपुर छत्तीसगढ़ के मेरे हिसाब कम से कम कितने बच्चे, 5-6 बच्चे तो हैं। थाना 8 को शीश झुकाकर हृदय से नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं एवं पदाधिकारी, मेवाड़ संघ के पदाधिकारी ये तथा ये
यहाँ जो भवन बना है इसके पदाधिकारी सभी ने मुझे आमंत्रित किया और मैं इससे पहले भी कई बार आके गया हूँ, लेकिन संतों के चरणों में भावभरी वंदना। अत्र विराजित वर्धमान तपोनिधि परम पूज्य प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि ठाणा आठ के चरणों में भावभरी वंदना। मेवाड़ संघ भारत जैन महामंडल एवं मेवाड़ संघ की सभी सहसंस्थाएं की सभी पदाधिकारीगण उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम तो आज शुभ दिवस स्वतंत्रता दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करती हूँ। साथ ही साथ गुणी मैया आज हमारे मातृ संस्था भारत जैन महामंडल की लेडीज विंग की संघ से तो अध्यक्ष जी ने कहा ही है, लेडीज विंग की भी सभी महिलाएं आपके चरणों में यहाँ पर दर्शनार्थ आई हुई हैं। भारत जैन महामंडल जब चारों संस्था की चारों संप्रदाय की यह संस्था है जो उसमें महिला विंग भी अच्छा काम कर रही हैं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया भारत जैन महामंडल के बैनर तले चारों संप्रदाय के दो बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं, एक महावीर जन्म कल्याणक और एक विश्व मैत्री दिवस। सुकर्णाटक के प्राप्तम तु गौरव श्री तपो विभूति पूज्यं गणेश गुरुराज महां नमामि तोभ्यं नमः सकल विघ्न विदारकाय तोभ्यं नमः सकल सौख्य प्रदायकाय तोभ्यं नमः पतित पावन भावनाय पूज्यं गणेश गुरुराज महां नमामि तोभ्यं नमः भविभवोदधितारणाय तोभ्यं नमः गहन प्रदायकाय तोभ्यं नमः सकल प्राणिसुरक्षणाय पूज्यं गणेश गुरुराज महां नमामि तोभ्यं नमः सतत खद्दर धारकाय तोभ्यं नमः परम संयम पालकाय तोभ्यं नमः सरल मार्ग प्रदाशकाय पूज्यं गणेश गुरुराज महां नमामि तोभ्यं नमः करुण स्त्रोत्र समुद्रकाय तोभ्यं नमः शत सहस्र गुणाधिकाय तोभ्यं नमः अभयदान प्रदायकाय पूज्यं गणेश गुरुराज महेश गुरुराज महां नमामि तोभ्यं नमः सकल आगम